घूंट सा आपने पानी ऐड करना है ताकि हमेशा चावलों से एक इंच जो भी इसका कलर होगा प्याज का वही कलर आपके, ज्यादा नहीं। अगर मैं ज्यादा देती तो ये। वालेकुम, आई एम नूरीन खान। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव एक जबरदस्त तरीके से। तो चलिए वेज पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जिस तरह मर्जी आप शेप कट कर सकते हैं, ये मैंने इस तरह की शेप लंबी लंबी कट कर ली है नॉर्मल। और इसके लिए हरा प्याज मैंने लिए है, ये भी इसी तरीके से सेम लंबे लंबे इस तरह कट कर लिए हैं मैंने स्ट्रिप में। एक बर्तन मैंने रखा है पतीला, और इसमें डालूंगी मैं हाफ कप मस्टर्ड ऑयल। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकती हैं। इसे गर्म होने देंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें सबसे पहले हम फ्राई करेंगे कैरेट्स। आंच बढ़ा देंगे, लाइट फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना। हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम डिश आउट कर देंगे। हम शामिल करेंगे पोटैटो आलू, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पोटैटो भी इतने फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम डिश आउट करेंगे। अब हम डालेंगे शिमला मिर्च, हमारी शिमला मिर्च भी हो चुकी है वीवर। ये देखिए हमने बस दो दो मिनट करना है ताकि ये गले भी ना खरी खरी रहे और फ्राई भी हो जाए। तो हमने इसको अब डिश आउट कर। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किस कंट्री और सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें डालेंगे हरा प्याज जो कि ये कट कर लिए लंबी शेप में। जी बस ये भी हमारा फ्राई हो चुका है, डिश आउट करते हैं। यकीन माने आउट क्लास खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। सब्जियां फ्राई करना मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक वेज। अब हम थोड़ा सा और ऑयल शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, अब डालेंगे प्याज जो कि मैंने थोड़ा सा हरा प्याज और एक बड़ा प्याज कट किया है, इसे फ्राई करेंगे। ये हमारे अनियंस फ्राई होने लगी हैं व्यूअर्स। आपने जिस तरह का कलर देना है अपने चावलों को, पुलाव को, उस हिसाब से आप इस प्याज को ब्राउन करेंगे। अगर आपने डार्क कलर देना है चावलों को तो फिर इस प्याज को आपने डार्क कलर देना है, डार्क ब्राउन करना है। और अगर आपने लाइट कलर देना है चावलों को तो फिर आपने इस प्याज के कलर को लाइट रखना है, लाइट ब्राउन करना है। जो भी इसका कलर होगा प्याज का वही कलर आपके पुलाव का भी होगा। ये फ्रेंड्स हमारा ब्राउन हो चुका है, और अब इसमें दो तीन जो हमने कट की हुई थी ग्रीन चिलीज वो ऐड करेंगे। घूंट सा आपने पानी ऐड करना है ताकि मजीद प्याज जले ना और गल भी जाए। फ्रेंड्स, अब इसमें हम शामिल कर देंगे चावल। थोड़ा पानी मैंने ऐड किया, हमेशा चावलों से एक इंच पानी ऊपर होना चाहिए। और ये मेरे कच्चे चावल हैं, ताजा चावल हैं, इसलिए इनको मैंने सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट भिगो के रखा है, ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपके पक्के चावल हुए, सेला चावल हुए, तो उनको आपने ज्यादा भिगो के रखना है। ठीक हो गया, घंटा दो उनको भिगो के आप रख सकते हैं पक्के चावलों को, सेला वगैरह को। लेकिन ये कच्चे चावल हैं, ताज़ा हैं, इसलिए इनको सिर्फ मैंने 10-15 मिनट भिगोया ताकि ये चावल पानी वगैरह अपना जज़ब कर ले, ज़्यादा नहीं। अगर मैं ज़्यादा देती तो ये मलीदा हो जाएंगे। देखिए
इतने एक इंच ऊपर होना चाहिए इसके, एक आध इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना चावल मलीदा हो सकते हैं। इस वक्त नमक मिर्च आपने चख लेने हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक डालने हैं। ये हम इसमें 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून फिलहाल डालेंगे नमक, थोड़ी सी ड्राई कसूरी मेथी खुशबू के लिए, और ये 2-3-4 लौंग, 1 मोटी इलायची, और हम डालेंगे इसमें मिक्स मसाला। इसमें सारे मसाले मिक्स है, 1 to 2 मसाले इसमें मिक्स है। अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दिया। साथ हम ये डालेंगे 3-4 टोमेटोस जो कट किए हुए हैं मैंने, आप चाहें तो चावल डालने से पहले भी डाल सकती हैं। ढक्कन रख देंगे ताकि ये बॉईल जल्दी से हो, और फिर हम इसे दम पे रखेंगे अपनी वेज डालकर। व्यूअर्स देखें, पानी ड्राई होने आ चुका है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक नमक और स्पाइसेस डालिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ, जितना जो पसंद करता है उस हिसाब से। अब इसमें हमने शामिल कर देनी है ये हमारी खूबसूरत सी डिश वेज, ये हम चावल डालने से पहले भी डाल सकते थे मगर इसलिए हमने डाले नहीं ताकि ज्यादा गल ना जाए। खरी खरी रखनी थी इस वजह से मैंने पहले नहीं डाली, अभी डाली है ताकि ये खरी रहे, ज्यादा गल ना जाए। फ्रेंड्स इस पे अब हम 2-3 दम पे ग्रीन चिलीज डालकर इसे दम पर रख देते हैं ढांप कर। ठीक हो गया, 5 मिनट में हमारा पुलाव तैयार हो जाना है इंशाल्लाह। हल्की आंच पर आपने रखना है, तेज आंच पर नहीं रखना। तो फ्रेंड्स लेट्स चेक इट। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर, इतना जबरदस्त रेडी हो गया है। ये देखिए चावल गल चुके हुए हैं और क्या खुशबुएं आ रही हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जबरदस्त हमारा वेज पुलाव रेडी हो गया। माशाल्लाह जबरदस्त रेडी हो चुके हैं, तो चलिए सर्व करते हैं। व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, इतना जबरदस्त हमारा वेज पुलाव रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह से सलाद ऊपर, सलाद के साथ हम इंजॉय करेंगे। आप भी घर में बनाइए और इंजॉय करीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बस ये देखिए जबरदस्त खरे खरे, तो चखते हैं। बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी, बिलीव मी जबरदस्त बने हैं। आप भी घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए इस तरह का वेज पुलाव, विटामिन से भरपूर हेल्दी पुलाव, जो कि खाने में बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की साए बरकरार रखे, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ अता फरमाए, बेऔलादों को औलाद अता फरमाए, और पाबंदी से हमें नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। नूरीन खान को इजाजत दीजिए, फिर किसी जबरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।